अदरक लहसुन पुदीने अनारदाने की चटनी बनाओ, अदरक लहसुन पुदीना अनारदाना इसकी चटनी बनाओ। मेरे मोहतरम भाइयों, ये चारों चीजें अगर हम वही के अकॉर्डिंग देखें तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जबरील अमीन के जरिए बताया गया, जन्नती जब जन्नत में जाएंगे उनको सबसे पहला मशरूब क्या मिलेगा? जंजबील। जंजबील अदरक को कहते हैं, अनार रुमान को कहते हैं, और लहसुन के बारे में प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैंने फरिश्तों से बात ना करनी होती मैं कभी लहसुन ना छोड़ता, क्योंकि फरिश्तों को लहसुन की वो अच्छी नहीं लगती। मेरे मोहतरम भाइयों, चौथी चीज है पुदीना। ये चार चीजें बराबर मिकदार में ले लो, इसकी चटनी बना लो। हर खाने के साथ एक बड़ा चम्मच चटनी का लो, और कोशिश करो कि जब चटनी लो उसके साथ दो चार सब्जियों का सलाद खाओ। गाजर है, मूली है, शलजम है, खीरा है, प्याज है, टमाटर है, बंद गोभी है, सलाद के पत्ते हैं, लाल मूली है, चुकंदर है, सब्ज़ धनिया है, पुदीना है, आधा पाव सलाद और एक चम्मच चटनी का। ये बेहतरीन इलाज है बलगम का, ये बेहतरीन इलाज है अजाबियत का, ये बेहतरीन इलाज है गैस का, और ये बेहतरीन इलाज है जोड़ों के दर्द का, घुटनों के दर्द का। बल्कि ये जो चटनी है, मैं तो अक्सर कहता हूँ ये 100 बीमारियों का इलाज है, 100 बीमारियों का इलाज है, क्योंकि इसके बताने वाले कौन? प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद।